हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास टेंथ की फिजिक्स का पहला चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, हम लोगों ने अपने चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिया है कंप्लीट। काफ़ी वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझा है। उसी क्रम में आज बच्चों हम लोग अपने ही इसी चैप्टर के एक और नए टॉपिक को करने वाले हैं डिस्कस, जो कि है पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ लेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल सर, हाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसे पढ़ना क्या है? ये पावर वावर क्या होती है सर? ये पावर पावर है ना, तो चलिए पावर की बात करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, पावर का मतलब समझते थे, हाँ मेरे हमारे पास सुपर पावर हो, तो उसी तरीके से पावर का मतलब यहाँ पे एक सुपर पावर से ही है, जो किसके पास है? आपके लेंसेस के पास है। किसके पास है प्यारे बच्चों? लेंसेस के पास है। और उन्हीं लेंसेस की सुपर पावर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। क्या नाम है? पावर ऑफ लेंस नाम है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को करते हैं कवर और इसको डिटेल में समझते हैं। तो क्या है बच्चों? अ पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फेलिंग ऑन इट। क्या बता रहा है? सिंपल सी बात की जाए तो, हम लोग बच्चों अभी तक सारे लेंसेज को पढ़ चुके हैं, कॉनकेव सारे की बात की जाए तो हमारे कोर्सेज में दो लेंसेज हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और हम सभी जानते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करते हैं। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है और कॉनकेव लेंस हमारी लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। तो बच्चों, ये कन्वर्जिंग करना केवल कॉन्वेक्स लेंस के बस की बात है और डाइवर्ज करना केवल कॉनकेव लेंस की बस की बात है, ऐसा क्यों? दोनों लेंस ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों, हर एक के पास एक स्पेशल पावर होती है। तो उसी तरीके से आपके कॉन्वेक्स लेंस के पास कन्वर्जिंग की पावर है और आपके कॉनकेव लेंस के पास क्या है? डाइवर्जिंग की पावर है। तो इनके पास यह जो पावर है, यह जो एबिलिटी है, इसी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। मतलब ये जो क्षमता है उनके पास लाइट को कन्वर्ज करने की, लाइट को डाइवर्ज करने की, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस कहते हैं। साफ साफ लिखा है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फेलिंग ऑन इट। ठीक है, कि जो लाइट रेज उन लेंसेज पर फॉल हो रही हैं, उन लेंसेज पर इंसिडेंट हो रही हैं, उनको कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है लेंसेज के पास, उसे हम पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं, उसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। आई बात समझ बच्चों कि क्या कर रही है? लाइट रेज को वो कन्वर्ज कर रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्ज कर सकता है, कॉनकेव नहीं कर सकता है। और वही अगर कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, तो ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम कॉनकेव ही कर सकता है, कॉन्वेक्स नहीं कर सकता। तो ये स्पेशल टाइप की एबिलिटी है, और ये स्पेशल टाइप की एबिलिटी ही क्या कहलाती है? उनकी पावर कहलाती है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात की जाए तो आगे एक चीज आप और जान लीजिए, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है प्यारे बच्चों, वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, वो कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर होता है। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव इन नेचर होता है। क्यों? पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? पावर उसकी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है भैया? क्योंकि वो लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए उसकी पावर जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होगी। तो एक चीज़ ये जान लीजिए, और कॉन्वेक्स लेंस लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए उसकी पावर कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों? नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? अभी तो हमने इसको सिंपल से समझ लिया, कन्वर्ज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, डाइवर्ज कर रहा है इसलिए
नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये पावर की बात की गई कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर पावर की बात की जाए तो पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की बात की जाए तो उसकी हमेशा पावर निगेटिव होती है क्योंकि वो डाइवर्ज करता है। इतनी बात समझ में आई, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। क्या ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है? लेंसेज की वो एबिलिटी जिससे वो क्या कर सकते हैं, लाइट को कन्वर्ज कर पाते हैं, लाइट को डाइवर्ज कर पाते हैं, और इसी एबिलिटी को पावर ऑफ लेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ क्या बताई कि कॉनकेव लेंस हमारा क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए उसकी पावर नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारी लाइट को कन्वर्ज करता है, इसीलिए उसकी जो पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले बच्चों एक सिंपल सी बात समझ लीजिए। सिंपल सी बात क्या है कि एक इनवर्स रिलेशन होता है हमारे फोकस और पावर के बीच में। क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशन होता है हमारे फोकस और पावर के बीच में। अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा हुई, तो आपकी जो पावर होगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपके लेंस की फोकल लेंथ कम हुई तो पावर क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके लेंस की पावर ज़्यादा तो फोकस कम, मतलब अगर आपके लेंस की फोकस ज़्यादा तो पावर कम, और अगर आपके लेंस की फोकस कम तो पावर ज़्यादा। ये इनवर्स रिलेशन होता है, और उसी इनवर्स रिलेशन से हम सिंपल से समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। क्या है, पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाई रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है लेंस के फोकल लेंथ का आपका पावर। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारा, पी इज इक्वल 1/f, यानी फोकल लेंथ। ठीक है, यानी अब देख रहे हो इनवर्स रिलेशन मिल रहा है, अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर ज़्यादा, और पावर फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पावर कम हो जाएगी। तो इतनी सी सिंपल सी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि अगर आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, सॉरी पर्टिकुलर लेंस का फोकस ज़्यादा तो पावर कम, और फोकस कम तो पावर ज़्यादा। इतनी बात समझ में आई, तो इस फॉर्मूले को आप कर लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका जब पावर हमें ऑब्टेन करना होगा तब आएगा काम। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई, आई होप यहाँ तक बात आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्या बच्चों, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर रिप्रेजेंटेड बाय D। अब जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई SI यूनिट तो होगी ही, कोई ना कोई SI यूनिट तो होगी, बिना SI यूनिट के तो पावर को मेज़र किया नहीं जाता होगा। तो पावर को मेज़र करने का हमारे पास एक SI यूनिट होता है जिसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम डायोप्टर बोलते हैं, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब एक बात नीचे आती है बच्चों, इन केस आपकी जो फोकल लेंथ दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, इन केस आपकी फोकल लेंथ दी गई है किस में, मीटर में। अगर आपकी लेंस की फोकल लेंथ जो दी गई है वो मीटर में दी गई है प्यारे बच्चों, तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर फोकल लेंथ हमारी किस में दी गई है, हमारी फोकल लेंथ दी गई है मीटर में, तो पावर जो होगी आपके लेंस की वो क्या होगी, इस फॉर्म पे फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, और अगर इन केस आपकी पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे क्या निकालने के लिए, पावर को निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, पावर को निकालने के लिए। सिंपल सी यही कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आपका जो पर्टिकुलर यहाँ पे सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है सारी, कि अगर आपका मीटर में फोकल लेंथ दिया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्या है, क्या हमने बात की, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की वह एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने
उनके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस को क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं और डाइवर्ज करती हैं, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लेंसेज की पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की पावर कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि आपके कॉन्वेक्स लेंस की जो पर्टिकुलर पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की जो पर्टिकुलर पावर होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट को, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। एक कहानी तो हमने यहाँ समझ ली पॉजिटिव नेगेटिव होने की। अभी एक तरीका और है जिससे हम समझ लेंगे कि पावर कॉनकेव का पॉजिटिव और कॉन्वेक्स का नेगेटिव क्यों होता है। तो एक तरीके तो हमने ये इससे समझ लिया। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, दूसरी बात हमने पढ़ी कि आपका अगर पावर ज़्यादा है, अगर आपका लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगी, और अगर आपके पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। और उसी पर्टिकुलर रिलेशन से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया है, पी इज इक्वल 1/f। क्या निकल के आया है, पी इज इक्वल 1/f निकल के आया है। और इस पर्टिकुलर पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात आगे आई क्या, कि अगर हमारा फोकस मीटर में दिया गया है तो हम पर्टिकुलर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा फोकल लेंथ मीटर में दिया गया है तो हम पर्टिकुलर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो गिवन फॉर्मूला हमारा ये होगा। ठीक, तो अभी मैंने एक बात आपसे बोली कि अभी हमने समझा कि कन्वर्जिंग के बेस पे और डाइवर्जिंग के बेस पे पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया। अब फोकल लेंथ के बेस पे अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ की बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब हमारा फोकस पॉजिटिव होगा तो पावर भी तो पॉजिटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो फोकस से हमने समझ लिया कि हाँ पावर पॉजिटिव आएगी कॉनकेव की। और वही अदर साइड अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस को, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, जिसकी वजह से उसका साइन हम निगेटिव लेते हैं, और निगेटिव फोकल लेंथ की वजह से आपकी पावर भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यहाँ पे हमने फोकल लेंथ से भी समझ लिया कि आपका कॉनकेव की पावर नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग से भी हम लोगों ने समझ लिया था कि पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगी। आई होप बच्चों यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर इन केस आपसे वन डायोप्टर, अगर इन केस अगर आपको वन डायोप्टर, ठीक है, वन डायोप्टर पूछ लेता है डिफाइन करने के लिए, तो आप लिख सकते हो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 meter। ये क्या होता है, वन डायोप्टर एक ऐसी पावर है लेंस की जो 1 meter फोकल लेंथ के लिए होती है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से याद नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला, इसके आगे 1 लगा दीजिए, इसके आगे 1 लगा दीजिए, पावर के आगे क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, तो 1 फोकल लेंथ। तो क्या है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 1 meter। ठीक है, मीटर में है ना, फोकल लेंथ ऑफ 1 meter। ठीक, इस तरीके से आप बेसिकली क्या बता सकते हो, वन डायोप्टर की डेफिनेशन को बता सकते हो कि वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 meter, कि वन डायोप्टर लेंस की वह पावर है जो 1 meter के लिए होती है, 1 meter फोकल लेंथ के लिए होती है। ठीक, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, तुम्हारा चश्मा कितने पावर का है, ठीक है, तो वही पावर की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम पावर की ही बात करते हैं। आई बात समझ में आता है बच्चों। और एक बात क्या है, आपका ये जो कह सकते हो पावर मेजर किया जाता है ये डायोप्टर मीटर से नापा जाता है। ठीक है, किससे नापा जाता है, डायोप्टर मीटर से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है, डायोप्टर मीटर से मेजर किया जाता है। ठीक, तो ये बेसिक कहानी थी, सिंपल सी कहानी कह सकते हो, कंसेप्ट था आपके लेंस की पावर का, किसकी पावर का, लेंस की पावर का, जो कि होता है ख़त्म। मेन आपका क्या है, डेफिनेशन याद रखना है, वन डायोप्टर की डेफिनेशन याद रखनी है, और आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, और SI यूनिट तो याद रखनी है, यानी कुल मिला के यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो भी मैंने आपको अभी बताई। तो फटाफट इसका ले लीजिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चल जल्दी से क्या करते हैं, पूरे कंसेप्ट को समराइज करते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ा। क्या पढ़ा कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एक एबिलिटी होती है लेंस की जो क्या करती है, लेंस को कन्वर्ज, जो लेंस हमारा लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर पाता है वो जो एबिलिटी होती है उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं लेंस की। कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है इसलिए उसका पावर हमेशा निगेटिव आता है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा पॉजिटिव होता है इसीलिए उसका जो पावर आता है वो पॉजिटिव आता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारा पावर ज़्यादा फोकस ज़्यादा होगा तो पावर कम आएगी, और फोकस कम होगा तो पावर ज़्यादा आएगी। इन्वर्सली रिलेशन होता है फोकस और पावर के बीच में। उसी रिलेशनशिप से हमारा ये फॉर्मूला आया था P=1/F। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने आगे की कहानी क्या पढ़ी, इसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा फोकल लेंथ मीटर में दिया गया है तो हम इस पर्टिकुलर गिवन फार्मूले को यूज़ करेंगे, अगर हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो हम पर्टिकुलर इस गिवन फार्मूले को यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर इस पावर मेजर करने के लिए एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग डायोप्टर मीटर कहते हैं। और अगर आपको वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या कर दी जाए, कोई पूछ ले तो आप बता दोगे वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, कि क्या होता है कि वन डायोप्टर एक लेंस की वह पावर है जो 1 मीटर फोकल लेंथ के लिए होती है। आई बात समझ बच्चों, तो यही सिंपल सा कंसेप्ट था आपके पावर ऑफ लेंस का। तो आई हो बच्चों पावर ऑफ लेंस का यह जो कंसेप्ट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।